समाज में महिलाओं ने सभी भूमिकाओं को बड़ी कुशलता और सौम्यता से निभाया है, फिर चाहे वो सहृदय बेटियां हो, संवेदनशील माताएं हो या सक्षम सहयोगी हो। खास तौर पर आज की महिला ने, जिसने स्त्री पुरुष के भेदभाव से लड़कर अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला वो है जो कभी घर, कभी खेत, कभी गांव और कभी देश की दिशा को सुधारती हुई दिखाई देती है। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने परंपराओं को चुनौती दी, जो वीर है, बहादुर है और पर्दे से निकलकर उन्होंने जिंदगी के मायने खोजे और अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी नया रास्ता दिखाया। आइए एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई है सफल उद्यमी के रूप में। तो पूसा समाचार के महिला विशेषांक में बहुत स्वागत है श्रीमती पूजा शर्मा जी का। पूजा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और आप अपने बारे में और अपने उद्यम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं गांव चंदू गुरुग्राम से हूं और मैंने महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया है और उसी में मैं बेकरी प्रोडक्ट बनाती हूं जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं, उन्हीं चीजों को मैं मूल्य संवर्धन करके मार्केट में लोगों तक पहुंचाती हूं। तो आज हम खड़े हैं चंदू गांव में, जिला गुरुग्राम में, और यही कर्मस्थली है पूजा जी की, जहां से उन्होंने अपने उद्यम की शुरुआत की। आइए इनकी फैक्ट्री, इनके उद्यम के बारे में, किस तरह से लोगों से जुड़ी, कितने लोग यहां काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। पूजा जी, जैसे आपने बताया आप एक सामान्य परिवार से हैं, तो जो सामान्य महिलाओं को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, आपने भी वो सब देखा होगा, तो उस सब के बीच में ये काम अलग से करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, या आपको ये कब लगा कि बस अब बहुत हो गया, चार दीवारी से निकलकर कुछ अपना उद्योग शुरू किया जाए, कहीं अपनी पहचान बनाई जाए, तो इस सब के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब इंसान किसी मजबूरी में होता है और उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं होता, तो ये चीजें नहीं होती तो तनाव पैदा होता है, मतलब क्योंकि इंसान को पैसे की जरूरत हर कदम पे पड़ती है। तो पति की जो है आमदनी कम थी, प्राइवेट उनकी जॉब परमानेंट नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी न किसी माध्यम से इनकी हेल्प करूं, क्योंकि मेरे तीन बच्चे हैं, तो आमदनी कम होने के कारण मैं उनको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ करके मैं भी इनका साथ दूं। तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के सोया नर्स की ट्रेनिंग ली और पशुपालन शुरुआत में किया, और धीरे धीरे मैंने फिर समूह बना के और उसमें सामान बनाना। कितना समय हो गया पूजा जी आप इस बात को? मैंने 2013 में अपना समूह बनाया था और आज 9-10 साल। बहुत बढ़िया पूजा जी, ये बताइए आजकल प्रतिस्पर्धा का युग है और बाजार में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी देखिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उनके अपने एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो इस सब के बीच में आपने इसी उद्यम को क्यों चुना? देखिए, एक तो जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और नामी लोग हैं, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो एक गांव से हैं और समूह हमारा है, लेकिन जब हम शहर में जाते हैं तो स्वयं सहायता समूह जो होता है, एक तरह से जब उसका नाम आता है तो लोगों का विश्वास होता है उसके ऊपर कि ये सीधा गाँव से आया है, फिर गाँव से हम सीधा किसानों से ही सामान लेके बनाते हैं, तो बिल्कुल देसी सामान होते हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। बिल्कुल, कहते भी है कि मतलब वोकल फॉर लोकल, ये भी कई सारी स्कीम्स चली आ रही हैं। तो आपने बताया कि आपके उत्पाद जो है 5-स्टार होटल्स तक जाते हैं, तो इतने सारे ब्रांड्स के बीच में आपके उत्पाद में ऐसी क्या खास बात है? दूसरा, आप ये रेसिपीज वगैरह आप क्या हमेशा इनोवेट करती रहती हैं, कुछ नई चीजों को जोड़ती रहती हैं, किस प्रकार से आपका ये सफर रहा? जी, जो 5-स्टार होटल में हमारी कुकीज जाती हैं, वो हमारे पास पहले ऐसा कुछ मशीनें वगैरह नहीं थी, तो 2017 में एक एनजीओ की हेल्प से हमारे यहाँ बेकरी ओन लगा और उन्होंने मुंबई से शेफ बुला के हमें कुकीज की ट्रेनिंग दिलाई। जो 5 तरह की कुकीज हैं आज हमारी 5-स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाती हैं। नेचर बास्केट, लेमार्क के स्टोर है, 24/7 है, और अंदाज होटल, अन्नामाया फूड कोर्ट है, तो काफी सारे बड़े स्टोर में हमारी कुकीज जाती हैं। बाकी हमने सोचा कि लोकल में कम रेट में लोगों के लिए हम कुछ बनाएं, तो वो हमने फिर जवार से बिस्किट, बाजरा बिस्किट, क्योंकि ये चीजें मार्केट में मिलती नहीं, जैसे चना बिस्किट है, रागी बिस्किट है, तो मार्केट में डिमांड को देखते हुए, क्योंकि आजकल लोगों को खाना चाहिए देसी और मतलब हेल्दी हो, बस उन्हीं चीजों पे लोग आने लगे हैं। बहुत बढ़िया। तो पूजा जी, जैसे आपने शुरुआत की, कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी, तो इस सफर को जब आप देखती हैं, तो क्या कभी आपको किसी प्रशिक्षण, आपने जैसे शुरुआत में कहां से लिया, या कोई सरकारी संस्थाओं या कोई सरकारी योजनाओं का कभी आपने लाभ लिया?
देखिए, जब एक महिला गांव से बाहर निकलती है घूंघट से, तो परेशानियां तो उसके लिए उससे पहले खड़ी मिलती हैं, लेकिन उनसे हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैंने शुरुआत की कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के मैंने ट्रेनिंग ली। किस केवीके से आपने प्रशिक्षण लिया? कृषि विज्ञान केंद्र सिकोपुर गुरुग्राम में, जो पूसा संस्थान का केवीके है गुरुग्राम में, उसी से मैंने प्रशिक्षण लिया। समान को हम लोगों में प्रचार कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पूसा मेला और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, जैसे प्रगति मैदान इंटरनेशनल मेला होता है, सूरज कुंड मेला होता है, तो इन मेलों में जाकर हमें मौका मिला लोगों को अपना समान टेस्ट कराने का और अपने समान का प्रचार करने का। आपने बताया कि पूसा संस्थान से आप काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है, तो उस संस्थान से आपके अनुभव के बारे में हमें कुछ बताएं। जब भी हम पूसा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, और जब एक महिला घर से घूंघट से निकलकर बाहर निकलती है तो काफी सारी समस्याओं का सामना तो उसको करना ही पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात देखी कि मेरे अंदर बदलाव भी आया, बोल चाल में, रहन सहन में। नहीं तो मैं झज्जर की बेटी हूँ, पूरी हरियाणवी भाषा होती थी, और आज जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो उन्हीं के हिसाब से मेरे को बोलना पड़ता है। दिखाई दे रहा है जी, अपनी यूनिट हमें भी दिखाएं, हम देखना चाहेंगे। चलिए, तो पूजा जी, ये उद्यम जब से आपने शुरू किया, तो आप अपने आप में और आपके साथ जो अनेक महिलाएं जुड़ी हैं, उनमें किस तरह का बदलाव देखती हैं? देखिए, जब हम बाहर जाते हैं जी, तो बोल चाल में, रहन सहन में काफी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जो महिलाएं खेतों में काम करती थी और जिनको किसी भी बारे में कुछ नहीं पता था, आज वो सारी चीजों के नाम इंग्लिश में बोलती हैं, तो मेरे को देख के बड़ा ही अच्छा लगता है कि कितना बदलाव इन महिलाओं के अंदर आज आया है। आत्मविश्वास भी जगह होगा। बिल्कुल, तो ये है आपकी सारी फैक्ट्री, आपके जो उपकरण वगैरह सब यहीं पे लगे हैं। जी जी। तो लगभग सुबह कितने बजे काम शुरू होता है? 10 बजे। 10 बजे के आसपास सब महिलाएं अपने घर का काम, घर में बच्चे भी होते हैं, स्कूल भेजना होता है, तो सब काम अपना पूरा करके 10 बजे यहाँ पे आ जाती हैं। पूजा जी, मैंने देखा है आजकल महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं और उनमें कौशल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत नहीं कर पाती, और उनसे बात करें तो उनको सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग में। वो ये कहती हैं कि भाई कुछ लघु स्तर पे अचार, पापड़, मुरब्बा, ये सब कुछ बना भी रही हैं, लेकिन मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है। तो आपका, जैसे अगर अपन सफर की बात करें, तो आपने जब शुरुआत की तो आप मार्केट से कैसे जुड़ी, आपने उस एस्पेक्ट को मतलब कैसे कवर किया? देखिए, महिलाओं में टैलेंट की कमी नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ नया होता है और वो करना चाहती हैं, लेकिन उत्पाद तो कोई भी बना लेगा, उसको सेल करना, उसकी मार्केट ढूंढना सबसे बड़ी समस्या है, और अगर ये समस्या नहीं होगी तो हर महिला काम कर सकती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, शुरुआत में हमें भी काफी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे, जैसे सरस मेला होता है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, पूसा मेला होता है, इनमें क्या है, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट टेस्ट करा के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसे लोग हमें मिलते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट उनको पसंद आते हैं तो बाद में हमें कॉल करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जैसे ट्रेड फेयर में हमसे जुड़ जाते हैं, तो मार्केटिंग की समस्या इस तरह से दूर हो जाती है। और न्यूज़पेपर वगैरह में अगर महिलाओं की लगातार सामान की न्यूज आती रहे तो इससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक आकर्षक पैकेजिंग या अपना कोई ब्रांड नाम बनाना, उसका जो एक आकर्षक पैकेजिंग में जब हम कोई उत्पाद रखते हैं तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इस तरह का भी कुछ आपने किया होगा शुरुआत में ही? बिल्कुल मैम, क्योंकि आपका ये जो ब्रांड नाम, आपने कैसे सोचा? देखिए, जब हम सामान, भले ही हमारा अच्छा हो, अगर पैकिंग उसकी अच्छी नहीं है तो वो हमारे मतलब देखने वाला कोई लेगा ही नहीं, लेकिन उसकी अगर पैकिंग अच्छी है और देखने में भी अच्छी है और अंदर प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो वो सबसे अच्छा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो 2013 से लगभग आपने ये काम शुरू किया, अपने साथ कई महिलाओं को भी साथ में जोड़ा, तो आपकी इस फैक्ट्री में कौन कौन से उत्पाद तैयार होते हैं? देखिए मैम, 5 तरह की तो कुकीज होती हैं इसमें तैयार, जो आज 5-स्टार होटलों में हमारी जाती हैं, और बाकी लोकल में हमने बिस्किट बनाए हैं, जैसे बाजरे को पीनट के साथ में, रागी को सौंफ के साथ में, चने को फ्लैक्स सीड के साथ में, और ज्वार को तिल के साथ में, ऐसे ही नमकीन में हमने आटा अजवाइन, बाजरा जीरा, बाजरा अजवाइन, तो काफी तरह के नमकीने हैं जैसे, और लड्डू है, चिया सीड लड्डू है, फ्लैक्स सीड ड्राई फ्रूट लड्डू है, बाजरा लड्डू है जी, चना सत्तू लड्डू है, और मतलब 10 से 15 प्रकार के हमारे लड्डू हैं, और लोगों की डिमांड के अनुसार भी हम मतलब प्रोडक्ट बना के उनको देते हैं।
तो पूजा जी, इन सभी हेल्दी प्रोडक्ट्स जो आपने बताए, जो उत्पाद हैं, उनको बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है? मतलब बेकिंग किस तरह से होती है? जी, आटा वाटा आप कैसे तैयार करती हैं? क्या वो बाहर से मंगाती हैं आटा वगैरह? नहीं, हम किसानों से डायरेक्ट, जैसे बाजरा है, ज्वार है, चना है, ये सब हम किसानों से डायरेक्ट लेते हैं, और हमने चक्की लगाई है बाहर, और उसमें हम ताजा ही पीसते हैं सारी चीजों को। फिर डो लगने के बाद फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ जाते हैं, जो कि पूरे हैंडमेड होते हैं। एक एक बिस्किट का वेट होता है और उसको हाथों से बनाया जाता है। यानी आज जो उत्पाद तैयार हो गया उसका आटा आज ही तैयार होगा। अच्छा। अगर आज बाजरा बिस्किट बनेंगे तो थोड़ी देर पहले ही बाजरे का आटा हम पीसेंगे, बिल्कुल फ्रेश। तो पूजा जी, इन हैंडमेड कुकीज को वो शेप देने के बाद में बेकिंग का क्या तरीका रहता है? मैम, फिर अंदर जाएगा बेकिंग के लिए ट्रे जी, और धीरे धीरे मतलब उसको चेक करना होता है। अच्छा, जैसे अभी इसमें थोड़ी सी कमी है जी, ये अच्छे से पका नहीं है जी, और ये देखिए ये बिल्कुल ही कच्चा है इसको, क्योंकि अभी रखा गया है, और ये जो है ये पक्के पूरा तैयार हो गया, ये बिल्कुल तैयार है। पूजा जी, अपने सफर में आप कभी पीछे मुड़कर देखती हैं और तो आप क्या सोचती हैं कि आप एक साधारण परिवार से, जहाँ खेती बाड़ी थी, जहाँ आपके कई भाई बहन रहे होंगे, उससे लेकर अब आप कह रही हैं कि 5-स्टार होटल्स में आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और नाम से बिकते हैं, तो इस सफर को देखती हैं आप, तो आपने ये सफर कैसे तय किया? देखिए, मैंने बचपन से ही खेती बाड़ी किया है, और मैं झज्जर के ऐसे गांव से हूँ, बाकरा गांव से, जिस गांव को लोग जानते भी नहीं। तो खेती बाड़ी और पशुपालन के साथ साथ ही मैं ये काम कर पाई। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, आर्मी से कैप्टन से रिटायर हैं, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, कितनी भी परिस्थितियां जीवन में आए, मतलब इंसान को हार, बिल्कुल जी बिल्कुल, हार नहीं माननी। तो पूजा जी, इस लंबे सफर में जैसे आपने बताया कि कुछ महिलाओं को आपने अपने साथ जोड़ा, तो कुछ महिलाओं को तो हम आपकी फैक्ट्री में भी देख रहे हैं, आपकी यूनिट में, जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है, आपको लगता है कि कभी और भी आपने इनडायरेक्टली या किसी परोक्ष रूप में भी आपने महिलाओं को कहीं सशक्तिकरण में मदद की है? देखिए, जहाँ भी जैसे झज्जर से महिलाएं यहाँ पे आती हैं, ट्रेनिंग लेके जाती हैं, सीख के जाती हैं, कैसे हमने यूनिट लगाई है उसको देखना है, ऐसे ही हिसार की भी हमारी बहनें आई हैं। कुछ साल पहले हम MP से महिलाएं यहाँ पे आई थी, और NGO के माध्यम से ही हमने 800 महिलाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी है। महिलाओं को अभी जी, सारी महिलाएं जैसे न्यूज़पेपर में फोटो वगैरह आती है तो उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज YouTube पे काफी सारी वीडियो है, कर्नाटका से महिलाओं के मेरे पास फोन आते हैं कि आपने कैसा शुरू किया, किस किस संस्था से आप जुड़े, तो मैं उनको पूरा मतलब केरला, महाराष्ट्र, सभी राज्यों की महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं, और वो पूछती हैं, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र पूसा संस्थान और रास्ता उन्हें, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो सरकारी स्कीमों से जुड़कर अगर बंदा आगे बढ़ेगा तो वो कामयाब भी होगा। बिल्कुल। तो पूजा जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी महिला घर में फ्री ना बैठे, क्योंकि बैठ गई तो फिर वो रुक जाती है बिल्कुल, और जो उसको आता है वो भी भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनसे जुड़े और महिलाएं मतलब आगे बढ़े। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा माध्यम है जिससे आज महिलाएं लोन लेके अपने आप को मतलब सशक्त बना रही हैं, जब भी जरूरत होती है तो वो वहीं से पैसा उठाती हैं और किस्तों में उसे वापस करती हैं। पहल महिलाओं को करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक बार अगर आप बाहर निकल गई तो सरकार है, समाज है, कई संस्थाएं हैं जिनका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि समाज में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर एक अपना स्थान रखें, कम नहीं है, और महिलाएं मतलब किसी से डरे नहीं और पीछे मुड़ के ना देखें, एक बार निकलने के बाद बस अपना सफर जारी रखें। आज हमारे साथ में मतलब 24 महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पे लगातार काम करती हैं, मतलब आपके जैसे 8-8 महिलाओं का ग्रुप होता है, और अगर मान लो जैसे एक साथ में बड़ा ऑर्डर आया है तो कुछ महिलाएं मठिया बनाती हैं, कुछ महिलाएं नमकीन बनाती हैं, कुछ महिलाएं बिस्किट बनाती हैं। मतलब पहले हम लोगों को के पास जाते थे कि हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करो, आज लोग हमें ढूंढते हुए आते हैं।